नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कान्हा जी का ये खूबसूरत सा ड्रेस लेके आए हूँ। दो रंग में कान्हा जी का ये खूबसूरत सा ड्रेस। सबसे पहले हम चोली बनाएंगे, तो 12 फंदे का ये चोली मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। तो 12 फंदे डालने के बाद दो लाइन उल्टा उल्टा बुना है, तो एक उल्टे फंदों की धारी आ गई है। ये हमारा बॉर्डर हो गया। उसके बाद इसे 12 फंदों को 5 भागों में विभाजित किया है। पहले हमने एक उल्टा बुना है, फिर एक सीधा, दो फंदा हो गया, 4 लगातार जाली, 6 फंदा हो गया, एक बैक का 7, फिर 4 लगातार जाली, 11, और लास्ट में एक फंदा रहेगा तो वो बॉर्डर का। इस तरह हमारे 12 फंदे डिवाइड हो गए। इसके बाद हम जाली के ऊपर जाली बनाते हुए हम 4 जाली बनाएंगे, तो हर सीधी लाइन में 8 फंदे बढ़ेंगे। अब सामने की तरफ 5 फंदे हो गए और एक ये बॉर्डर यानी 6 फंदा। आस्तीन में 4 इधर से बढ़े और 4 इधर से बढ़े और एक फंदा था, यानी कि 9 फंदा, और बैक में 4 इधर से बढ़े, 4 इधर से बढ़े और 2 फंदा था, यानी कि 10 फंदा। इस तरह हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे। तो 8-8 फंदे बढ़ने से ये 32, 4 जाली बनने पर ये 32 फंदे बढ़ गए और हमारे पास 12 फंदे पहले ही से थे, यानी अब टोटल 44 फंदे हो गए। तो 4 जाली बनाने के बाद यानी 11वें लाइन में हमने 9 फंदा इधर से, आस्तीन का 9 फंदा और दूसरी आस्तीन का भी, यानी 18 फंदे घटा दिए हैं। तो अब 26 फंदे रह गए। ग्यारहवीं लाइन में अब सिलाई पे 26 फंदे रह गए हैं और 12वें लाइन में हम सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर 13, 14 और 15 तीन लाइन हम बुनेंगे, सामने से सीधा और पीछे से उल्टा, और फिर 16वें लाइन में उल्टा बुनते हुए सारे फंदे घटा देंगे और हमारी ये चोली बनके तैयार हो जाएगी। मैंने इसे पहले ही अपलोड कर लिया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब हम घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए मैंने सिलाई में 18 फंदे डाले हैं, 18 स्टिचेस, और हम 5 लाइन उल्टा उल्टा बुनेंगे। सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, हमें दोनों तरफ सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है। पांच लाइन उल्टा उल्टा बुनने से 3 उल्टे फंदों की धारियां सामने से और 2 पीछे से आ गए हैं। और अब हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और 14 फंदे उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 फंदों में 2 फंदा इधर रह गया और 2 फंदा हमने इधर छोड़ दिया है। और अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे और सभी सफ़ेद फंदे बुने हुए 14 सफ़ेद फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। चौदह फंदा उल्टा बुनने के बाद लास्ट में 2 फंदे बचे हैं जिन्हें हम
प्राइमरी कलर से उल्टा बुनेंगे और अब बैक साइड से इन दो फंदों को वापस हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुनेंगे और शेष फंदों को, जो सफ़ेद फंदे बुने गए हैं, उन्हें सफ़ेद रंग से उल्टा बुनेंगे। और अब की जैसे पिछली लाइन में हमने दो फंदा छोड़ा था, ये गुलाबी रंग से दो फंदा छोड़ा था, अब की सफ़ेद का दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से टर्न कर जाएंगे और फिर सफ़ेद सारे फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे सफ़ेद वाले उल्टे बुन लेंगे और लास्ट के दो फंदे जो बचे हैं उन्हें हम गुलाबी रंग के उनसे उल्टा बुनेंगे। अब फिर उल्टी तरफ से दो गुलाबी वाले फंदे हम गुलाबी रंग से ही बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा और फिर सफ़ेद वाले फंदे हम सफ़ेद रंग से बुनेंगे। तो पिछली बार हमने दो फंदे छोड़े थे और इस बार हम फिर दो फंदे छोड़ देंगे। यानी अब पहले लाइन में गुलाबी छूटा था, फिर दो सफ़ेद, इस बार फिर दो सफ़ेद, यानी इस समय सफ़ेद के चार फंदे छूट गए और फिर हम यहीं से टर्न कर लेंगे। यानी हर उल्टी लाइन में हम दो फंदे छोड़ते जाएंगे और वापस वहीं से मुड़ के और बुने हुए सफ़ेद फंदों को उल्टा बुन लेंगे। लास्ट के दो फंदे हमें हमेशा गुलाबी रंग के उनसे ही बुनना है। चौदह फंदों में से हम चार फंदे छोड़ चुके हैं। पिछली बार हमने 10 फंदा बुना था, अब की हम 8 फंदे ही बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और फिर हम दो फंदे छोड़ देंगे, यहीं से हम टर्न कर लेंगे और इन 8 फंदों को सफ़ेद रंग के उनसे बुन लेंगे। और लास्ट के दो फंदे उसे हमें गुलाबी रंग के उनसे बुनना है। ये बॉर्डर का काम करेगा। फिर लास्ट के दो फंदे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। पिछली बार हमने 8 फंदे बुने थे तो इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और फिर यहीं से हम लौट जाएंगे। 6 फंदों को बुन लेंगे और लास्ट के दो फंदे गुलाबी रंग के उनसे। पलट जाएंगे, पहला फंदा स्लिप किया, अगला फंदा उल्टा। पिछली बार हमने 6 फंदे बुने थे तो इस बार हमें 4 फंदे बुनने हैं और 4 फंदे बुन के ही हम वापस आ जाएंगे। यानी हर उल्टी लाइन में हम दो दो फंदे छोड़ते जा रहे हैं। और अब की बार सिर्फ दो फंदे हमें बुनने हैं और वापस लौटाना है। इस तरह सारे फंदे, दो दो फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे बुने जा चुके हैं। अब हमें गुलाबी रंग के उनसे 6 लाइन बुनना होगा। सारे फंदे हम आगे से भी और पीछे से सारे फंदे अब हमें गुलाबी रंग के उनसे बुनना है 6 लाइन तक। तो 6 लाइन आपको मैं बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 लाइन बुनने के बाद ये एक कली बन गया है। ऐसे ही हमें 13 कलियाँ बनाना होगा
तो 13 कली बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 13 कली तैयार हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 कली बन के तैयार हो गई है। तो अब हमें 13वें कली में ये 6 लाइन का बॉर्डर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पहला वाला जो है यहाँ पे सिल जाएगा और ये इसका इसके लिए भी हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन रहेगा। तो अब हम गुलाबी रंग के ऊन से सभी फंदा उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाला फंदा जो है वो आगे वाले पे ऐसे चढ़ाते जाएंगे। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को सिल लेना होगा। और अब हम इस चोली को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी का पोशाक बनके तैयार है। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए इसे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।